स्वामी जी, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की। मैं भौतिक विज्ञान की बात करता हूँ, अल्ट्रा मॉडर्न साइंस आ गई है और हर क्षेत्र में आई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसका उपयोग भी जो है सनातन सत्य के माध्यम से होना चाहिए। तो मैं उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसा कि सनातन सत्य कहता है कि जो कुछ भी हमारा भाव मन जो है कौज डालता है, तो वो कौज जो है ये पूरे यूनिवर्स कहिए, कुदरत कहिए, उसके क्लाउड के अंदर जाता है, द्रव्य मन के रूप में रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक जन्म में व्यक्ति ने अपना भुगत लिया और वो चीज चली गई, लेकिन क्या उस क्लाउड के अंदर मैंने 100 जन्म 1000 जन्म ले लिए किसी भी प्राणी ने, तो क्या वो सारा डाटा जो है उसमें रहता है? और तभी जो है वो केवल ज्ञानी कैसे देखते होंगे? तो केवल ज्ञानी जो देखते हैं, या शायद चाहे किसी तरह का विशिष्ट ज्ञान भी होता है, तो क्या ये सारा कुदरत के माध्यम से होता है या कैसे होता है, ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। ये एक नवीन तरह का प्रश्न है। तो हालांकि ये रिलेटिव ट्रुथ की बात है, ये साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी होना बहुत जाति स्मरण ज्ञान वगैरह टेलीपैथी वगैरह है, इसका क्या संबंध है जो आपके सनातन सत्य की जो आप कुदरत की परिभाषा देते हैं, कृपया इसे जोड़ करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, अपने पास्ट बर्थ को जानना ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, रहस्य है। और सभी लोग अपने पास्ट बर्थ को जान सकते नहीं है। कहीं विशिष्ट प्रकार की शक्ति वाला लोग, जिसको जातीय स्मरण ज्ञान है या तो केवल ज्ञानी है, वो दोनों अपने पास्ट बर्थ को देख सकते हैं। वर्तमान जगत में ऐसा सुनने में आया है कि वर्तमान जीवन से पास्ट जीवन में जाने के लिए एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस से भी आप अपने पिछले भाव में या उसके पिछले भाव में जा सकते हैं, ऐसा हमने सुना है। अनुभव तो नहीं किया है, मगर सुना है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक विशिष्ट प्रकार की शक्तियां हैं, और अगर किसी के पास होती है तो वो जान सकते हैं, मगर इससे आत्मा की अनुभूति कहो या केवल ज्ञान कहो, इससे कोई संबंध सीधा नहीं है। मगर जब सब्जेक्ट प्रश्न के रूप में बताया गया है, तब इसका उत्तर समझना जरूरी है। इसीलिए कि हम अपने जीवन में कई अवतारों से कर्म करते रहते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। प्रश्न ये है कि अगर हम अपना पास्ट बर्थ या पास्ट कितने बर्थ जान सकते हैं इन दिस करंट बर्थ, मतलब कोई जगह उसका तो डाटा तो होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट आता है कि मैं उसको ओपन करके देखूं, मगर डाटा ही नहीं है तो कौन ओपन करेगा। जैसे व्यवहार में कोई भी चीज हमने बनाई है, इसको रिकॉर्ड किया और सेव कर दिया हमने कंप्यूटर में या मोबाइल में, वो हम जब चाहे तब ओपन करके देख सकते हैं। वो डे टू डे लाइफ में देखने में डिस्टर्ब नहीं करती। जब भी चाहो तो हम स्क्रीन के ऊपर रीओपन करके देख सकते हैं और बाद में हाइड भी कर सकते हैं स्टोरेज में डाल के। तो कहने का मतलब यही प्रक्रिया साइंटिफिक कुदरत के पास की है। और डिलीट किया हुआ वो नहीं मिलेगा, डिलीट किया हुआ नहीं मिलेगा। मगर बात ये, वो तो बात सही है कि डिलीट किया हुआ नहीं मिलेगा,
मगर कुदरत कहती है कि हम डिलीट क्यों करेंगे, अनलिमिटेड हमारे पास जगह। या और दूसरी बात यह है कि कर्मों का जो पैकेज है उनके लिए जो स्पेस चाहिए वो इतनी सूक्ष्म स्पेस होती है आपकी कल्पना नहीं होगी। मैं आपको स्थूल एग्जांपल से उसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक जमाना ऐसा था कि आपको वन जीबी का रिकॉर्ड करना है तो उनके लिए बहुत बड़ा साइज का रिकॉर्ड होता है, बिग साइज, इसमें वन जीबी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे उसकी साइज छोटी 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 होती गई और कार्ड आ गया, वन जीबी का कार्ड, इसमें वन जीबी आप सेव कर सकते हैं रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो जो भी। बाद में वही कार्ड माइक्रो आया जिसमें वन जीबी से लेके ज्यादा से ज्यादा 1 ट्रिलियन तक की मेमोरी सेव कर सकते हो, सेम ट्रिलियन टीबी 1000 जीबी आ गया, हाँ 1 ट्रिलियन, हाँ वो भी कर सकते हैं आप। तो साइज तो वही के वही रही, कॉम्पैक्ट, समझते हैं, इतने छोटे माइक्रो कार्ड के अंदर भी 1 ट्रिलियन की कैपेसिटी होती है। ये इंसान ने बनाया हुआ कार्ड है, कुदरत का कैसा होगा। तो ये कार्ड में आप 1,00,000,000,000,000,000 भी सेव कर सकते हैं, ऐसा सेव कर सकते हैं इन छोटे स्पेस में, इसीलिए वहां स्पेस की कोई कमी नहीं है। तो इतने सारा डेटा है कुदरत के पास और वो डेटा आप कभी भी री ओपन करके देख सकते हो। अच्छा, सामान्य व्यक्ति के पास जो जाति स्मरण ज्ञान होता है वो खुद का पिछला अवतार देख सकते हैं, मगर केवल ज्ञानी तो किसी का भी देख सकते हैं, अनंत भवों का, किसी का भी, नॉट ओनली उनका, मगर जाति स्मरण ज्ञान वाला खुद का ही देख सकता है दूसरे का नहीं। ये बात ध्यान में रखना है, लाइन ऑफ डिमार्क दोनों डिफरेंस है, जाति स्मरण ज्ञान दोनों के पास है मगर एक दूसरे का भी देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं, नहीं एक जाति स्मरण ज्ञान खुद का ही देख सकते हैं, लिमिटेड ज्ञान, लिमिटेड। तो ये तरह लाइन ऑफ डिमार्केशन थी जो मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा ये जो डाटा होता है वो कहीं समय तक रहता है, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, मगर जो काल चक्र होता है, क्या होता है, काल चक्र होता है, तो काल चक्र के आधार से कुदरत में जो डेटा सेव होता है वो काल चक्र के आधार से चलता रहता है, सभी परिस्थितियां काल चक्र के एक साइकिल के आधार से चेंज हो जाती है, फिजिकल सिचुएशन भी। तो ये लॉ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रीचर्स एंड लॉ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचर दोनों पैरेलल काम करता है, कुदरत भी काम करती है और जीव भी काम करता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय मनुष्य और चार गति और बाहर की परिस्थितियां भी जो द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग आता है ये भी पैरेलल चलता है सब, और ये सब जो परिस्थितियां चलती रहती है इसको देखना जानना समझना बहुत इंटरेस्ट होता है, आपका जीवन निकल जाता है इसमें। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, ये तो जिसको इंटरेस्ट होता है वो डीप में जाएगा, सब नहीं जा सकते हैं। तो यूज है, वो यूज है, स्मॉल नहीं है। तो ये जो
डेटा सेविंग की जो प्रक्रिया है कुदरत के अंदर वेरी वेरी माइक्रो है, वहां तक तो इंसान नहीं पहुंच सकता है। जहां तक उनकी क्षमता है वहां तक इंसान पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगा, मगर एक लिमिट होती है, इंसान ने बनाए हुए की लिमिट होती है, वो कभी कुदरत के साथ डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल जान लिया कि आप स्टोरेज कर सकते हैं, मगर हम जैसे कहेंगे ना कि हमने सुपर 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 कंप्यूटर बनाया, मगर कुदरत का जो सुपर कंप्यूटर है जो अनंत जीवों का डेटा रख के रिजल्ट देता है, ऑन द स्पॉट देता है हजारों जीवों को, वो इंसान नहीं बना सकता, उसका एक हिस्सा है, हिस्सा कुदरत। तो कुदरत के साथ हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, मगर उसका सिद्धांतों को यूज करके हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी बुद्धि से, क्षमता से, जे पिंडे ते ब्रह्मांड। हाँ, तो इसीलिए ये इतनी इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया में जब इंटरेस्ट होता है तो बहुत सारी बातें खुलती है। क्या होती है? खुलती है, ओपन हो जाती है, क्योंकि हमने भी आध्यात्म विज्ञान जो पब्लिक के सामने पेश कर रहा हूं ये मेरा बुद्धि का प्रयोजन नहीं है, ये कुदरत ने जो दिखाया है वो बता रहा हूं, ये मैं बुद्धि से उसको प्राप्त नहीं किया है। इट्स नॉट अ नॉलेज और इट्स नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, अनकवर अनकवर हुआ, कुदरत ने किया। हाँ भी आप समझे, मेरी इच्छा होगी, मेरा भाव होगा, मेरा प्रयास होगा, मेरी नियत होगी, और कुदरत ने मेरे को सहयोग दिया और आज मैं आप सबको बता रहा हूं। तो इतनी सूक्ष्म बातें ये कोई इंद्रिय ज्ञान से नहीं होती है, तो इसीलिए इतना ह्यूज ज्ञान है, और जैसे जैसे परिस्थितियां आती है और दृष्टि से वो खुला हो जाता है और दुनिया के सामने पेश हो जाता है, तो दुनिया के लोग भी कभी कभी अचंभित हो जाते हैं कि ये बातें कैसे हो सकती है जो हमारे दिमाग में हजारों साल से नहीं आई और नहीं कोई किताबों में है। आज दुनिया के सभी धर्मों को हमने फॉर्मेट कहा, ये क्या छोटी बात है? एक धर्म और दूसरे धर्म को कंपैरिजन करना वो एक अलग बात है, सभी धर्मों को फॉर्मेट बोलना कितना बड़ा विजन होता है। दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑल रिलीजन प्रिंसिपल, सभी धर्मों का एक ही प्रिंसिपल है, फॉलो द फॉर्मेट। सभी धर्मों का एक ही थीम है, पाप पुण्य और प्राय। ये बात जितनी आसानी से आप सुन सकते हैं शब्दों में बताई जाती है, उसके पीछे दर्शन कैसा होगा, तभी ये बात निकलती है तीव्र, कितना ब्रॉड होगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट बताता है, ये कोई थियरी नहीं है, आप समझे, और एब्स्ट्रैक्ट है तो सिद्ध हो जाता है, थियरी को समझना पड़ता है, सिद्धांत जल्दी समझ में आता है, और अगर थोड़ा बहुत भारी होता है तो एग्जाम्पल समझ में आ जाता है, मगर थियरी, आज किताब का मतलब क्या है, शास्त्र का मतलब थियरी, तभी तो लोग कंफ्यूज है। प्रिंसिपल नहीं है, अच्छी बात है जरूर है, इंटेंशन भी अच्छा है, मगर प्रिंसिपल नहीं है ना, तो हर बातों में समझने में लोगों को टाइम होता है और कंपटीशन और कंपटीशन भी हो जाती है, और ऐसा लगता नहीं कि हमारा सनातन सत्य है, हमारा अच्छा है ऐसा बोल सकते हैं, सनातन नहीं बोल सकते हैं, जो विज्ञान तो क्या है, सनातन ही है, आप मानो या, क्योंकि कुदरत का कानून के ऊपर आधारित है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो इसीलिए इतना ह्यूज साइंस है, और मैं तो कुदरत का धन्यवाद देता हूँ कि कुदरत ने ये शरीरधारी को लायक बनाया ये विज्ञान को देखने में, समझने में और दुनिया के सामने पब्लिश करने के लिए। ये कोई शारीरिक क्षमता की बात नहीं है, ये सिर्फ शब्दों से बोलने की बात नहीं है, ये दर्शन खुला होना और खुला होके ये बातों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये वर्ड्स में नहीं होती है, वर्ड्स में ट्रांसफर होती है समझ के साथ, और बाद में शब्दों से उसको प्रेजेंट है, मगर ये सब प्रक्रिया ऑटो मोड है। क्या है ऑटो मोड? कि हम सोच सोच कर विचार विचार करके बताते हैं, ऐसा नहीं है, विजन तो है 24 आवर्स का, और संजोग के अधीन वो विजन शब्दों के माध्यम से व्यक्त होता है, दिखता भी है, मगर पूछने वाला नहीं तो निकलेगा भी नहीं, उसका मतलब ये है नहीं, वो तो है। जैसे भगवान महावीर ने लोगों ने प्रश्न किया, उनको गौतम स्वामी ने बहुत प्रश्न किए, गोए मां, हाँ, और
भगवान ने उत्तर दिए। तो भगवान ने जो उत्तर दिया क्या इतना ही साइंस था? साइंस तो यूज था, मगर जितना पूछा इतना निकला, नहीं पूछा तो नहीं निकला। साइंस लिमिटेड नहीं है, मगर पूछने वाला और निकालने वाले तो लिमिटेड ही होगा, क्योंकि वो भी कुदरती पावर ऑफ द कुदरती रचना है। तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा कम से बोलूंगा ये सब्जेक्ट नहीं है, वो भी संजोग के अधीन है। तीर्थंकर भी अपनी मर्जी से ब्रह्मांड का सभी रहस्य बता सकते नहीं है। ही इज कैपेबल बट नॉट टू स्पीक बिकॉज मन वचन का आया तो कुदरती रचना है। तो इसीलिए तो इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा रहस्य है, आप भी उसको जानो समझो और आपके जीवन में आगे जाने के लिए आगे समझने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बात बताई कि सारा जो है ये डाटा है ये कुदरत के अंदर इकट्ठा होता है और वही से जो है वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर होता है। भाव कर्म हमारा द्रव्य कर्म कुदरत के अंदर जाकर के कन्वर्ट होता है और वही सारा अनलिमिटेड डाटा है। जितने जितने बड़े ज्ञानी पुरुष होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं तो कई कई जन्मों का देख लेते हैं, यानी ये सारा कुदरत का सब विवरण है। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करो। स्वामी जी थोड़ा सा समय बचा है, इसमें से कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन इस बचे हुए समय से निकालना चाहता हूँ कि आपने बताया कि जो भाव कर्म हम बनाते हैं कॉजेस को, बंच ऑफ द कॉजेस को इकट्ठा करके, वह कुदरत के अंदर जाता है, लेकिन जब हमारी आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है वो अज्ञान बिना जा नहीं सकती, चाहे कॉजल बॉडी कहो चाहे अज्ञान कहो चाहे भाव मन कहो, क्योंकि अभी तक तो भाव मन ही उसके पास में, जब तक उसके साथ में नहीं रहती है तब तक वो इस शरीर से दूसरे शरीर में जा नहीं सकती, वही ले जाने वाला फोर्स है। तो आपने बताया कि वो द्रव्य कर्म के रूप में क्लाउड के अंदर चला गया, तो अब तो प्योर आत्मा बच गई पीछे, तो फिर वो तो गति कर ही नहीं सकती, वो तो मुक्ति में जाएगी, तो फिर वो संसार में, ये थोड़ा ये मिल नहीं रही है बात, तो कृपया इसको मिलाइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद, थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। देखो ये बहुत बड़ा रहस्य था जब ये विज्ञान नहीं खुला था तब, और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने साफ बता दिया अंतस्करण कैरी ऑन होता है, सोर्स स्पीच और एक्शन का भी कुदरत में जाता है। तो अंतस्करण है वो सटल है, और सटल जहां जाएगा आत्मा को जाना पड़ेगा, और आत्मा के पास चॉइस नहीं है, सटल जाएगा तो वहां जाना ही पड़ेगा। तो जो अंतस्करण है, अंतस्करण के क्योंकि वो भाव कर्म है, वो भाव कर्म का जो सेकंड हिस्सा है स्पीच और एक्शन का, वो कुदरत में जाता है। वो कुदरत डिसाइड करता है कि ये सटल को यहाँ जाना है, तो आत्मा को तो जाना ही, आत्मा के पास कोई चॉइस नहीं है। सटल इज इंपॉर्टेंट, और सटल किसे बना है? भाव कर्म की प्रोसेस से, और प्रोडक्शन वहां गया, प्रोसेस तो है, प्रोसेस कैरी ऑन, स्पीच और एक्शन के बीच उधर है, लेकिन भाव प्रोसेसर यहाँ है, प्रोसेसर यहाँ चार्ज है, वो प्रोसेसर डिस्चार्ज में जाता है, वो अंदर है, और कॉज की और स्पीच और एक्शन के बीच जिसके लिए संजोग चाहिए वो उधर देंगे। तो प्रोसेसर से तो आपको भुगतान करना है, यहाँ चार्ज प्रोसेसर है, वही प्रोसेसर डिस्चार्ज भुगतान करना है, तो वो कैरी ऑन होता है, और प्रोसेसर ही सटल है, और आत्मा को तो चॉइस ही नहीं है, क्योंकि कुदरत को जोड़ना है साथ में, इसीलिए स्पीच एक्शन होना जरूरी है, नहीं तो कुदरत से मिला नहीं होगा। तो अगर अगर प्रोसेसर देवलोक में जाता है तो आत्मा को देवलोक में जाना पड़ेगा, नरक लोक में जाएगा तो नरक, आत्मा के पास कोई चॉइस नहीं है। एनीवे समय की मर्यादा के अधीन हम आगे आगे बात करते रहेंगे और विज्ञान समझते रहेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोसेसर जो आत्मा के साथ रहता है वही घुमाता है, उसका शटल जो है यानी जो स्पीच और एक्शन के बीच कुदरत में जाते हैं, तो कुदरत का भी समावेश हो गया, दोनों मिलकर के अगला जन्म देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, जय आपके प्रति कृतज्ञ।